लद्दाख की गालवन घाटी में सोमवार रात को भारत और चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई थी। इसमें 18 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू समेत बिहार रेजिमेंट के 3 जवान शहीद हो गए। कर्नल संतोष 18 महीने से लद्दाख में भारतीय सीमा की सुरक्षा में तैनात थे। वहीं शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। तीसरे शहीद का नाम हवलदार पलानी है। सेना के सूत्रों के मुताबिक लद्दाख में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर कर्नल संतोष, शहीद कुंदन और हवलदार पलानी के साथ चीन के सैनिकों की झड़प हुई थी। शहीद संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। उनकी मां ने कहा, मैं दुखी हूं क्योंकि मैंने अपना इकलौता बेटा खो दिया, लेकिन उसने देश के लिए कुर्बानी दी, इस पर गर्व है। कर्नल संतोष के परिवार में पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। उनके पिता फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं। शहीद संतोष ने हैदराबाद के सैनिक स्कूल में पढ़ाई की और फिर वो एनडीए के लिए चुन लिए गए। झारखंड के सोहेबगंज जिले के दिहारी गांव के 26 साल के शहीद कुंदन ओझा 17 दिन पहले ही पिता बने थे, लेकिन अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देख पाए। उनके पिता रविशंकर ओझा किसान हैं। कुंदन 2011 में बिहार रेजिमेंट कटिहार में भर्ती हुए थे। 3 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिजनों के मुताबिक शहीद कुंदन 5 महीने पहले घर आए थे। 15 दिन पहले उनसे फोन पर बात हुई थी।